राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सुबी टीवी हिंदी। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी स्पेशल लड्डू गोपाल जी की शॉपिंग दिखाऊंगी, जो मैंने अपने गांव से खरीदा है। स्पेशली मुझे अपने गांव से सामान खरीदना अच्छा लगा, तो मैंने खरीद लिया वहाँ। मतलब इजीली सारी थिंग्स अवेलेबल थी, जो कि यहाँ पर भी मुझे मिल नहीं सकी थी, तो मैंने वहाँ पर से खरीद लिया। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे प्यारे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं, और फ्रेंड्स इनके लिए मैंने ये स्पेशल पंखा खरीदा था। और फ्रेंड्स, ये पंखा बहुत तेज चलता है, इसकी हवा बहुत अच्छी तरह मेरे प्यारे लड्डू गोपाल जी तक पहुंच जाती है। फ्रेंड्स, अब ये देखो, ये मैंने घर पर ही बनाया था माचिस की डिब्बियों का। इसमें मैंने लड्डू गोपाल जी की कॉटन रखी है। ये इत्र लगाना होता है सुबह सुबह उनको, इसीलिए ये इत्र रखा है मैं इनके लिए छोटा सा। मैं इनको कोई हार्मफुल केमिकल वाला परफ्यूम नहीं यूज़ करती हूँ, इत्र ही लगाती हूँ। और फ्रेंड्स, इसमें इनके प्यारे प्यारे नेकलेस हैं। ये मैंने नेकलेस पहले खरीदा था जन्माष्टमी पर, अब नहीं लिया है। और फ्रेंड्स, ये नेकलेस मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, ये मैंने घर पर ही बनाया है। और ये तो मेरे लड्डू गोपाल जी की ऐसी बॉल ही है। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए प्यारे प्यारे उनके शूज रखे हैं। ये मैं आज ही अपने गांव से खरीद के लाई थी। ये बहुत हैवी है, मतलब ये उसके बने हुए तांबे वगैरह कुछ होते हैं उसके बने, ये बहुत हैवी और ये सुंदर भी लग रहे हैं मुझे। और देखो फ्रेंड्स, ये मैं अपने गांव से इनके लिए चरण लाई थी छोटे छोटे, ये घर पे ही रख, मतलब इनके सामने सजा के रख देती हूँ, मतलब घर पे ही। अगर कहीं इन्हें यात्रा वगैरह के लिए बाहर लेके जाना होता है तो वो न्यू वाले मैं शूज देती हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस दिखाऊंगी, जो मैं अपने गाँव से खरीद के लाई थी। ये तो इनकी ऐसी हैंकी है, खाना वगैरह खाने के बाद इनका मुंह वगैरह साफ कर देती हूँ मैं इससे। फ्रेंड्स, मैं अपने गांव से कुछ खास, मतलब ज्यादा ड्रेसेस नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे गांव में कुछ ज्यादा स्टाइलिश ड्रेस, मतलब कुछ ज्यादा नहीं मिल पाई अच्छी अच्छी। तो फ्रेंड्स, ये वाली ड्रेस देखो, ये भी मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली है। इसके नीचे बुकरम लगी है, वैसे तो ये धोते हुए जल्दी खराब हो जाएगी, फिर भी लेनी ही पड़ी क्योंकि ये मुझे सुंदर लगी। फ्रेंड्स, ये भी उसके जैसी ही है, बट कलर अलग है, मतलब स्टाइल थोड़ा सा अलग है। और ये देखो, इसके नीचे भी बुकरम लगी है। और फ्रेंड्स, ये ड्रेस मेरी फेवरेट, मुझे बहुत अच्छी लगी ड्रेस, और इसके नीचे तो बुकरम भी नहीं लगी, प्लेन है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ड्रेस। और फ्रेंड्स, मैं इनके लिए पगड़ियाँ लाई हूँ, ये पिंक वाली पगड़ी और इसके साथ एक येलो वाली पगड़ी और एक रेड वाली पगड़ी। ये पगड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने अपने गांव से खरीद लिया। मतलब सारी पगड़ियाँ ऐसे ही में ही मिल रही थी, कुछ मतलब कलर ही अलग था, कुछ अलग स्टाइल में नहीं मिल पाई। और एक ये थोड़ी सी अलग थी, ये भी मैंने ले ली। और फ्रेंड्स, ये मेरे कान्हा जी की विग है छोटी सी, बस एक ही लाई हूँ मैं अपने गांव से विग। और फ्रेंड्स, ये इनके थोड़े से ब्लूमर्स हैं फ्रॉक्स के नीचे डालने के लिए, ऐसे ही अलग अलग कलर के, ऐसे सेम लगते हैं सारे ये। और फ्रेंड्स, ये है इनकी छोटी सी मुरली, जो इनके हाथ में आ जाती है और सुंदर भी लगती है। और फ्रेंड्स, एक मैं बड़ी मुरली भी लाई हूँ। और फ्रेंड्स, ये बज भी सकते हैं, मतलब रियल की मुरली लाई हुई है एक मैं और एक ऐसी। और फ्रेंड्स, एक और ड्रेस है, ये उन्हें बहुत बड़ी आ जाती है, वैसे तो आ तो जाती है पर पूरे बेड पर खिली खिली रहती है, मुझे ठीक लगी तो मैंने ले ही ली। और फ्रेंड्स, ये वाली ड्रेस तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, ये मैंने पुराने वीडियो में भी दिखाई है शायद आपको, आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से सर्च मार के देख सकते हो मैंने। और ये ड्रेसेस हैं, ये सारी मैंने आपको पहले दिखा रखी हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हो।
और फ्रेंड्स ये वाली पगड़ी तो इन्हें बहुत बड़ी आ चुकी है, और ये ना बैग में डली डली टूट भी गई है, लगता है ये कान्हा जी को पसंद नहीं आई है, तो मैं इसमें कॉटन ही डाल के रख लेती हूँ, कोई काम की नहीं। मतलब ये बहुत बड़ी आ गई है, ये थोड़ा फनी सा हो चुका है, और उसका कलर जब मैं गांव से आ रही थी तो ये बैग में अड़चन आके टूट चुकी थी, तो फ्रेंड्स ये थोड़ा फनी सा हो चुका है, ये कलर थोड़ा अलग है और ये कलर थोड़ा अलग है, मुझे समझ नहीं आ रही ये कैसे में थी। मैं इसमें कॉटन ही डाल के रख लेती हूँ, वो इत्र लगाना होता तो इसमें कॉटन डालने जब यूज़ होती है तो निकाल लेती हूँ, तो मतलब ये ऐसी हो चुका है ना, उनके सर पे आता अच्छी तरह ना कुछ, मतलब मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे में लूँ, तो मैंने ले ली, कोई बात नहीं अब आ चुकी है तो सही है। तो फ्रेंड्स जितना मैं अपने गाँव से थोड़ा बहुत सामान लाई थी वो मैंने आपको दिखा दिया है, फ्रेंड्स अपने प्यारे को आज आराम से सो रहे हैं अपने ठंडी ठंडी हवा में। फ्रेंड्स मैं अपने लाइट ऑफ करके दिखाऊंगी, ये देखो रात का नज़ारा बहुत सुंदर लगता है, और मैं रात को डिस्को लाइट भी लगा देती हूँ, इन्हें बहुत अच्छा भी लगता है। सो फ्रेंड्स राधे राधे जय श्री कृष्णा, अगर मैं अपना कोई और कान्हा जी के लिए सामान लाई तो फिर से दिखा दूंगी, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, मैं अभी तो बहुत कम सामान लाई हूँ, अगर कभी फिर लाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। उसके लिए आपको मेरी वीडियो को लाइक करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं जितना भी कान्हा जी के लिए अच्छा अच्छा सामान लाऊँ सबसे पहले आपको ही दिखा दूँ।